कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ लोग हमें इंस्टा पे या टिकटॉक पे लोग मैसेज करते हैं, कुछ भी जैसे कि आप वहाँ रहते हैं, इस तरह के कुछ भी हमारी जिंदगी के रिलेटेड अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही। अच्छा जी, तो आई एम डन विद माय ऑल सर्विसेज और ये मेरा मतलब हो चुका है सब कुछ। अभी एमएम मुझे लेने के लिए नीचे आया और अभी मैं नीचे जा रही हूँ और अभी मैं उनको सरप्राइज देती हूँ जाकर। अपना सरप्राइज तो नहीं, उनको पता था मैंने ये करवाना है, लेकिन जाकर एमएम को जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। नहीं आई ना? नहीं ठीक है, लेकिन ये दोबारा फिर से पैसे लगवाने वाला काम है, रिफिल बार बार होना है, पैसे लगवाना है। वैसे अच्छी लग रही है? हाँ वैसे अच्छी लग, अगर अच्छी लग रही है तो पैसे पूरे हैं। पैसे कैसे पूरे हैं, बार बार लगाई जाओ, बार बार लगाई जाओ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो पहले तो हमें ग्लासेस उतार लें ताकि फेस नजर आ जाए आप लोगों को, ठीक है? मेरी आंखें नजर आ जाएंगी, मैं वाकई में अंधी नहीं हूँ, ठीक है? तो अभी जो है हम लोग जो है आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। व्लॉग मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अहमद ने जाना है अपने दोस्त की तरफ, जाना नहीं था इससे पहले अहमद बोले, पहले ही मैं बता दूँ मुझे थोड़े से काम था, मैंने जाना था तो अहमद ने मुझे ड्रॉप करना था, तो अहमद बोर हो जाते इसलिए अहमद ने बोला कि मैं अपने दोस्त से मिल लेता हूँ, ठीक है? तो अभी ये सीन है कि हम लोग निकलने लगे हैं, तो साथ साथ जो कुछ करेंगे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। बाकी जी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, तो मुझे आप लोगों की ना एक सजेशन चाहिए थी। सजेशन मुझे इस लिहाज से चाहिए थी कि मैं डेली व्लॉग जो है वो नहीं कर पाती और डेली रूटीन आप लोगों को मेरी देखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आई थी, क्योंकि मुझे कुकिंग शुकिंग ये वो मुझे फिर यही दिखाना पड़ता है और डेली डेली आप लोगों को देखते भी नहीं है। तो मुझे आप लोगों से सुजेशन ये चाहिए थी कि मुझे इंस्टा पे, मुझे टिकटॉक पे बहुत ज्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि आप व्लॉग्स करें, व्लॉग्स करें, व्लॉग्स करें। तो अब मुझे ये पूछना था कि प्रैंक व्लॉग्स करें या मतलब मैं अहमद के साथ प्रैंक व्लॉग्स करूँ या अहमद के साथ कुछ क्या बोलते हैं उसको, अहमद क्या बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं, फ्रैंक और एक और चीज थी ना, हाँ क्या था, चैलेंज चैलेंज व्लॉग्स करूँ या फिर प्रैंक व्लॉग्स करूँ। तो ये आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है और इसके अलावा अगर चैलेंज व्लॉग्स करना है तो कौन सा चैलेंज व्लॉग करूँ और अगर प्रैंक व्लॉग करना है तो मुझे बताएं कि किस किस तरह का आप लोगों को प्रैंक चाहिए। तो ये सब कुछ जो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। और कुछ क्वेश्चन हैं जो कुछ लोग हमें इंस्टा पे या टिकटॉक पे लोग मैसेज करते हैं, कुछ भी जैसे कि आप वहाँ रहते हैं, इस तरह के कुछ भी हमारी जिंदगी के रिलेटेड अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसका जवाब दें आपको। हाँ, जैसे कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड जो आप लोग इंस्टा या टिकटॉक पे करते हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना कोशिश पूरी यही होगी कि उन क्वेश्चंस को कवर करने के ऊपर बनाए। तो अभी जो है ना मैं पहुंच चुकी हूँ, अंदर चल के अपनी सर्विसेज लेते हैं। अच्छा जी, राइट नाउ आई एम एट द नेल बार और अभी जो है ना मुझे अपनी कुछ सर्विसेज लेनी है जैसे एक्रेलिक्स की और लैशेज की। तो अभी जो है पहले हमारा प्लान था शॉपिंग का, लेकिन वो कुछ काम था ज़रूरी जिसकी वजह से अहमद को अभी जाना पड़ा। तो अहमद आते हैं तो फिर हम देखते हैं, फर्दर टाइम बचेगा तो शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज जो है हम अपनी सर्विसेज ले लेते उतनी देर। तो आप साथ साथ रहें। आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही। बंद करो, ओपन। ओके जी, तो दिस इज़ द फाइनल लुक और ये है जी आफ्टर लैशेस की लुक। आई एम सो ऑब्सेस्ड, इस टाइम जो है मेरी आंखों में थोड़ी स्वेलिंग है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अपना आप अच्छा लग रहा है ये लगवाने के बाद। आई एम लुकिंग सो 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 क्यूट, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। और जी इधर अभी जो है एक्रेलिक्स का काम स्टार्ट होने ही लगा है, ये अभी नेल्स वगैरह होंगे, अभी मेरे फीट के हो रहे हैं, पाँव का मेरा थोड़ा सा एक फिंगर पे फंगस लगी थी उसका थोड़ा ज़्यादा काम था तो उसकी थोड़ा एक्स्ट्रा से मुझे चार्जेस पड़े क्योंकि वो फंगस बहुत बुरी लग रही थी, उसको सेट करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो अभी यहाँ पर जो है वो सेट वेट हो रहा है सारा कुछ और उसके बाद जो है फाइनल लुक जो होगी वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँगी। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो आई एम डन विद माय ऑल सर्विसेज और ये मेरा मतलब हो चुका है सब कुछ। अभी एमएम मुझे लेने के लिए नीचे आया और अभी मैं नीचे जा रही हूँ और अभी मैं उनको सरप्राइज देती हूँ जाकर। अपना सरप्राइज तो नहीं, उनको पता था मैंने ये करवाना है, लेकिन जाकर उनका रिएक्शन लेते हैं। एमएम को जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। नहीं आई ना? नहीं ठीक है, लेकिन ये दोबारा फिर से
पैसे लगवाने वाला काम है, रिफिल बार बार होना है, नहीं पैसे लगवाना है। वैसे अच्छी लग रही है। हाँ, वैसे अच्छी लग, अगर अच्छी लग रही है तो पैसे पूरे हैं। पैसे कैसे पूरे, बार बार लगाई जाओ, बार बार लगाई जाओ, जब उतर जाना मेरे पे ही लगेंगी ना, जब उतर जाना फिर वही दोबारा आ जाना, बार बार मेरे पे ही लगेंगी ना, फेस तो मेरा ही है ना। हाँ जी, ठीक। ओके ओके, अब मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दें जल्दी। क्या खाना है? मैं आपको बताती हूँ, ड्रीम्स खिला दें। टाइम नहीं है मेरे पास, रुकना नहीं है, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। आप जो आप खुद तो खाए है ना खाना, मैंने नेल्स नहीं देखे है। मैं खाने प्यारे हैं, प्यारे लग रहे हैं। अभी खुश्क नहीं हुआ था, मैंने कौन सा पकड़ लिया। यान कैसे है? ठीक है, बस ठीक है। नहीं खुश्क नहीं है, हाथ नाल खाना तो सारे नहीं। ये कैसी लग रही है? ये कैसी? उसे क्या पता? ये आईलैशेस, उसे क्या पता? कुछ नहीं आया मामा के फेस पे, उसे नहीं पता। ओके गुड। अच्छा जी, तो अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, और बात इस हवाले से करनी है कि अगर आप लोग आई लैश एक्सटेंशन लगवाने का सोच रहे हैं तो ये जो है थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि जब वो आपकी उसको लगा रहे होते हैं ना, आपकी बालों की नोक के ऊपर लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये स्किन में नहीं लगता, ये आपके बालों के नोक पे लगता है बिल्कुल। और जब उसके ऊपर लगाते हैं तो ये थोड़ा सा ना चुभन होती है, और उसके बाद जब ये सारी आई लैश लग जाती हैं उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा सा ना आपकी आईज के अंदर जो ना जलन होती है, काफी देर तक होती रहती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 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 वो ड्राई होता है ना, तो फिर जो है आपकी आईज की जो जलन है वो खत्म हो जाती है। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि एक चीज जो है ना वो ये है कि आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। अभी मुझे फील ऐसे हो रहा है जैसे मेरी पूरी आंखें खुल नहीं रही हैं, और मेरी आंखों पर किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया। तो बाकी आप लोग अगर करवाना चाहे तो आप लोग देख लें, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है आप लोगों को अगर लिफ्टिंग भी करवाओगे वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन लिफ्टिंग ये होती है कि आपके अपनी लैशेज को लिफ्ट किया जाता है ऊपर की तरफ को, और थोड़ा सा वो ना थोड़े दिनों के अंदर वो खत्म हो जाती है, दोबारा उनका कोई फायदा नहीं होता। तो अभी हम चलते हैं, चल के कुछ खाते पीते हैं, और देन मैंने वैसे बूबा ट्री ट्राई करनी थी, मेरी दोस्त से मैंने पूछ भी लिया था, वो कहा है अगर अहमद 2 मिनट वेट करेंगे तो मैं फटाफट से ले लूंगी, लेकिन अगर अहमद वेट नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को घर जाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अहमद बहुत ज्यादा थके हुए हैं, नींद आ रही है, और अहमद ने सुबह गाँव भी जाना है काम के सिलसिले में, तो इस वजह से अहमद का सोना जल्दी बहुत जरूरी है जी। तो ये मैंने ट्राई किया फॉर द फर्स्ट टाइम टेरल टी हाउस से, बूबा टी ट्राई किया, ठीक है। मुझे मेरी फ्रेंड ने 2 फ्लेवर सजेस्ट किए थे, एक सनराइज और एक बेरी, तो मैंने वैसे भी दोनों ट्राई किए हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा अच्छा जो है वो सनराइज है, और अहमद को नहीं पसंद आई। अब अहमद से रीजन पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पसंद आई। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, ये जो इसके अंदर क्या है, गोल गोल बबल्स है, जेली है, जेली। हाँ, वो जेली, मुझे जेली वैसे ही नहीं पसंद, वो जो मुंह में जाती है ना इतना बुरा टेस्ट आता है ना कि छोड़ ही दो। वैसे वो जो था ना दूसरा लिक्विड, उसका टेस्ट फिर भी थोड़ा है, सही है, लेकिन वो जेली जो है ना वो तो सारा मूड खराब कर देती। ओह माय गॉड, और मैं जितना बच के थोड़ा सा मैंने जो टेस्ट किया वो जितना बच के पिया, दो जेली मेरे मुंह में चली। मजा आ गया फिर तो। एट होम, अभी हम लोग घर आ चुके हैं, घर आके मैं आप लोगों को फाइनल 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 लुक दिखाना चाहती थी। ये है जी मेरी फाइनल लुक, ये मेरी बुबा टी साइड पे हो जाए, और ये है जी मेरी लैशेज, दीज आर अल्ट्रा सॉफ्ट, ठीक है, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। बस ये इसी तरह से लग रही हैं, कोई मैंने इतनी हैवी नहीं लगवाई, नॉर्मल सी है और बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा जी, दीज आर द नेल्स, टन टन टन, और मैं आप लोगों को अपने पाँव भी दिखा देती हूँ, दीज आर माई फीट, ठीक है। बहुत गंदे लग रहे हैं क्योंकि गंदे हुए हुए हैं, मैं आप लोगों को बैठ के एकदम अच्छे से दिखा दूँगी। ये है जी पाँव के, ठीक हो गया, अभी धोश होके साफ सुथरे करते हैं, तो फिर जो है ना फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी, तो अभी हमने चेंज वगैरह कर लिया, और अभी यहाँ पे ब्लॉग को खत्म करने का टाइम है। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाकी जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, या किसी चैलेंज के अंदर, या फिर किसी प्रैंक के अंदर। वो आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो चैलेंज करें, प्रैंक करें, या जो भी करें, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। और इंशाल्लाह 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 बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियोज आप लोगों के लिए चैनल पर लेकर आएंगे, क्योंकि एज सून एज पॉसिबल जो है हम लोगों ने एक टूर प्लान किया हुआ है, हमें उस टूर पर निकल जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग चले जाएंगे, तो
होप यू लाइक द व्लॉग. तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.